तो गाइस फाइनली मैंने GTA San Andreas मोबाइल वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो आज मैं आपके सामने GTA San Andreas का फर्स्ट गेम प्ले दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते हैं क्या कुछ इस मिशन में करने के लिए मिलता है। गाइस यार बचपन में ना मेरे बहुत सारे शौक अधूरे रह गए थे। मैं गेम पार्लर में देखता था लोगों को यही गेम खेलते हुए, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था, मेरा भी खेलने का मन करता था, पर यार उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं रोज इतने खर्च कर सकूं। फिलहाल तो आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो और ये मोबाइल वर्जन में भी आ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इंस्टॉल किया जाए और इसको आपके सामने खेला जाए। तो चलिए खेलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें जो करैक्टर है CJ, ये 5 साल बाद अपने घर वापस आता है, लेकिन इसी बीच इसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिलहाल तो इसको गेट डाउन करने के लिए बोल दिया है, इसको बोला है कि नीचे झुक जाने के लिए, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा ये पुलिस वाले इसके साथ कर क्या रहे हैं, इसको पहले तो झुका दिया है रोड पर, इसका हाथ भी मोड़ दिया, अब देखते हैं क्या करता है ये। अरे इसके तो इसने पैसे निकाल लिए। और गाइज इनकी हरकतें देखकर मेरे को ये पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ये तो मेरे को पुलिस वाले गुंडे लग रहे हैं। देखना बेचारे को कैसे कैसे कर रहे हैं यार, ये इधर पैसे गिन रहा है, और शायद ये CJ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ड्रग्स मनी है, यानी कि CJ ने ड्रग्स बेचकर ये पैसे कमाए हैं। यार मुझे तो इस स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, अगर आपको इसके बारे में सही सही पता है, सच सच पता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ओके अब इसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं गाड़ी में, क्या स्टाइल मार रहा है बंदा। तो ये उस बंदे का स्टाइल जो है ना एकदम हरियाणवी पुलिस की तरह है, ये हरियाणा के जो पुलिस होते हैं ना दिल्ली में जो घूमते हैं भाई, बड़े हरामी होते हैं, इसी तरह के अकड़ में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे पुलिस वाले ख़राब होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, पर ज़्यादातर जो होते हैं ना बहुत ही ख़राब होते हैं यार, बहुत गलत भी करते हैं लोगों के साथ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा कुछ हो चुका है, तो मेरे को पता है इस बारे में। ओके तो पुलिस वालों को CJ बता रहा है कि वो अपनी मॉम के लिए यहाँ पर आया है। यार वैसे यहाँ पर तो यार CJ बहुत ही भोला भाला लग रहा है, पर देखते हैं आगे ये कैसा लगता है। फिलहाल तो मुझे ये बहुत शरीफ लगा यार बेचारा, मतलब अभी बहुत परेशान है, एक तो अपनी माँ की टेंशन है इसे, और ऊपर से इस पुलिस वालों ने घेर लिया है, और इसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग। अच्छा अंदर से ना 2 पुलिस वालों ने ना इसको पकड़ रखा है, और एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है, 3 पुलिस वाले हैं ना टोटल। हाँ ट्रेन जा रही है, ट्रेन बड़ी मस्त लगी यार, इसका ग्राफिक बड़ा अच्छा है यार, मुझे तो ये गेम कम फिल्म ज़्यादा लग रही है, पूरा एकदम फिल्म जैसा सीन बना रखा है अभी तो। फिलहाल तो मैं ये चला के देख रहा हूँ, अभी आगे प्ले करेंगे क्या कुछ होता है आगे। पुलिस वाले CJ से ये क्या कह रहे हैं कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, ये कौन सी बात हुई भाई। ओके कहाँ ले जा रहा है इसको। अच्छा CJ कह रहा है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, ये वॉलेस की कंट्री है। वॉलेस कौन है यार, ये कहाँ ले जा रहे हैं। ओ भाई रे धक्का दे दिया यार बहुत तेज इन्होंने तो। अब तो 100% श्योर हूँ कि ये कमीने पुलिस वाले थे, 100% ऐसा कोई पुलिस वाला करता ही नहीं है। मुझे लगता है CJ के साथ ना इनका पुराना कोई कनेक्शन होगा। ओके तो CJ कुछ बोलता हुआ जा रहा है आगे, आगे एक साइकिल खड़ी है। ओके अब क्या करना है। ओके तो गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अब साइकिल पकड़ लेते हैं, यहाँ से ये एनालॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। चलिए अब कहाँ जाना है मुझे। अच्छा रडार के एक्सेस जो है उसको फॉलो करना है। ओके तो यहाँ पे CJ लिखा हुआ आ रहा है मैप में, तो मुझे CJ के यहाँ पर जाना है, तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ। साइकिल तो अच्छी लग रही है चलाने में, कार भी चलाऊँगा अभी, फ़िलहाल तो एक मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं मिशन दिखाने के लिए लाया हूँ इस वीडियो पर। तो चलते हैं, सही लग रहा है यार मेरे को तो, मज़ा आ रहा है चलाने में, साइकिल का एक्सपीरियंस भी अच्छा लग रहा है, बंदा यार मस्त चला रहा है। ओके CJ का घर ये उधर, हाँ इधर है। ओके कहाँ बता रहे, अंदर। हाँ चल 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 चल, ये यहाँ लिखा आ रहा है टैप टू लीव योर करंट व्हीकल। अच्छा इस पर क्लिक करेंगे साइकिल पे, तो व्हीकल जो है वो उसको पकड़ लेंगे, आई मीन उस पर बैठ जाएंगे, ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। फ़िलहाल तो ये आ गया है अपने घर पे, बिग स्मोक लिखा हुआ आ गया है, शायद मिशन का नाम होगा। ये कौन है, हाँ इसकी माँ की तस्वीर लग रही है शायद, बंदा रो रहा है बहुत, काल रो रहा है यार। अच्छा बहुत परेशान है यार, माँ के खोने का दुख ना केवल वही बंदा समझ सकता है जिसकी माँ नहीं होती, बंदे को अपनी माँ की याद आ रही है बहुत, सो सैड। अच्छा अब धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस गेम में, वैसे पहले से इंटरेस्टेड हूँ, बाकी स्टोरी नहीं देखी थी, स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे।
ये कौन आ गया? अच्छा बिग स्मोक है यही। अच्छा इसका नाम है बिग स्मोक, ओके। अच्छा ये इसको जानता है, अंधा था क्या पहले? मारने आ रहा था। अच्छा डॉग क्या होता है? डॉग क्यों बोल रहे हैं? अच्छा गाइस यार बताना ये माई डॉग क्यों बोला है इसको, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यार इसका मतलब क्या होता है। माई डॉग तो कुत्ता ही होता है, कुत्ता क्यों बोल रहा है इसको? अपनी भाषा में पता नहीं कुत्ता होता है, इनके में पता नहीं क्या होता होगा, कुछ प्यार से बोलते होंगे, कुछ बातें कर रहे हैं ये दोनों, अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं। अच्छा ओके, बिजनेस वगैरह की बात चल रही है। अच्छा परेशान बंदे को कहाँ ले जा रहा है यार ये? ओके ये इसकी मॉम है, फ़ोटो की क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही गाइस, थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी बाहर का ग्राफिक तो अच्छा खासा आ रहा है। स्मोक की कार बड़ी मस्त है यार। अब ये कौन सा है? स्वीट एंड कैंडल। अच्छा 5 साल बाद मिलने आया है बंदा, कौन कौन है ये तीनों? अच्छा इसका नाम मेरे को पता है, जो कैप लगा रखा है ना इसका नाम पता है, बड़ा अच्छा सा है एकदम फंकी टाइप का। ये वाला नहीं, इसके बगल वाला जो था वो बड़ा दिखने में भी फंकी लग रहा था। इतना पता है कि ये ना सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, वैसे तो सभी स्मोकर होंगे, इसका तो एक का तो नाम भी स्मोक है यार। ओके कहाँ जा रही है ये? सीजर से मिलने, सेजर से मिलने। ओके दोनों लड़ रहे हैं। कार्ल कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा लड़ो भाई, लड़ो, मुझे तो मिशन करना है। ओके गाइस बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है इनकी, क्या बातें हो रही है यार। थोड़ा सबटाइटल में लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो, जिसको समझना आता हो वो तो भाई आराम से पढ़ लेना, स्टोरी आपको समझ आ जाएगी पूरी स्टोरी लाइन। बाकी मैं तो ऐसे गेम प्ले कर रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट भी करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पा सकोगे। ये हमारा नेक्स्ट सीन आ गया है। ओके तो फाइनली गाइस ये सब यहाँ से चल दिए हैं, अब आ चुके हैं, चलिए अब राइड करते हैं। अबे ये क्या हुआ? अबे ये कार उड़ा दी पूरी, कौन थे ये? अच्छा बंदा दूसरी जगह पे आया ना, इस पे यहाँ पे होंगे कोई बंदे। चलो भाई साइकिल ले ली है मैंने, मेरे को शायद ये नीले वाला बंदे को फॉलो करना है, इसके ऊपर पॉइंट आ रहा है, एरो आ रहा है, शायद इसी को फॉलो करना है। हाँ ओके तो चलते हैं, कहाँ ले जाएगा ये बंदा हमें? मैप में तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे फ़िलहाल, बाकी देखते हैं कहाँ ले जा रहा है ये बंदा। यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार ये गेम, इसका ग्राफिक देखो कितना मस्त लगता है देखने में। क्या लिखा है? वाइन बूड, हॉलीवुड की तरह लिखा हुआ है वाइन बूड। मस्त है भाई, ग्राफिक भी मस्त है, इसका माहौल भी अच्छा है। गाइस पबजी का भी सब कुछ मैं कराऊंगा, सारा वीडियो बनाऊंगा पबजी का भी, तो मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस। ओके तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये आ गए गुंडे। कीप अप, अरे यार क्या बोलते हैं ये? गाली देते क्या ये? हाँ गाली ही होगी। ओके इसके पीछे जाना है मुझे, आगे निकल गया मैं तो उससे। रुक जा, आ गया। हाँ अब चल, मुझे मार दिया यार। ओके कहाँ, चलो। अबे यार ये बंदा पहले ही मर रहा है, यही बंदा नहीं तैयार है। हाँ एक और को मार दिया। गेम में गाइस एक फ़ायदा है कि किसी को भी मार दो कोई टेंशन ना है, हकीकत में ऐसा हो तो यार पता नहीं क्या हो जाए। पहले जब मैं ये गेम देखता था ना लोगों को खेलते हुए, और जब मैंने स्टार्ट में एक बार मतलब खेला इसको, तो यार मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार लोगों को मार देना। फिर मेरे को लगा कि यार ये तो गेम है, गेम में क्या मतलब, मेरे को गेम में भी यार दया आ रही थी, मैं मतलब यार बड़ा अजीब हूँ यार ये। धीरे धीरे थोड़ा मैनेज हो गया। ओके साइकिलिंग स्किल बढ़ गई मेरी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बढ़ी है। ओके
कहाँ जाना है, शायद घर जाना है, घर घर ले जा रहा है घर 100%। नहीं नहीं अभी बंदे हैं यार, बंदा तो है। अबे यार कहाँ को चले, वो गोली मार रहा है यार, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। हाँ 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 उस बंदे का नाम राइडर है, जो कैप पहन के रहता है, सिगरेट बहुत पीता है, मस्त बंदा है यार। इसको देख के मेरे को हनी सिंह की याद आ गई। नहीं वैसे नहीं, थोड़ा रैपिंग टाइप का लगता है इसका फेस वगैरह, इसलिए। हाँ घर ही जा रहे हैं। ओके तो हमारा ये मिशन पॉइंट है जहाँ पे हम मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके गाइस फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया है हमारा पहला। गाइस यार इसका ग्राफिक मेरे को यार बड़ा मस्त लगता है, ओपन वर्ल्ड गेम ना खेलने में एक अलग ही मज़ा है। ओके राइडर तो घूम रहा है मजे से, ये साइकिल चला रहा है वो बंदा, अलग ही तरीके में रहता है यार, मतलब मज़ा आता है उसको देख के मेरे को, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, मेरा मन करता है उसको दोस्त बना लूँ, पर तो शायद इसमें दोस्ती है। ये देखो पीछे राइडिंग हो रही है, इधर बातचीत चल रही है, मैं भी बातचीत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं भी मस्ती खोर हूँ। ओके क्या ये क्या बोल रहा है, ये हेयर कट करने के लिए, अच्छा हेयर कट, ओके कराएंगे हेयर कट। अच्छा ये सीजे का हाउस है, यहाँ पे प्रोग्रेस सेव होगी, ओके मिशन सेव होगा। अच्छा ये गैरेज है सीजे का, यहाँ पे गाड़ी पार्क होगी, ओके। अच्छा इसके अंदर जाना है मार्क के ऊपर, मार्क के अंदर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे अंदर। मिशन कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल फ्रेंड्स। तो गाइस मज़ा आ गया यार मेरे को देखकर तो। ओके तो अब क्या करना है मुझे, गो इनसाइड सीजेज हाउस, ओके इसके अंदर जाना है, चलते हैं। और क्या कहाँ जा रहा है, इधर चलना। हाँ घुस गए अंदर, द जॉनसन हाउस, ओके इसका भी नाम कार्ल जॉनसन है, जॉनसन हाउस इसके नाम रखा हुआ है घर का, ओके। हाँ यहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी, यस कर दिया, ओके कर दिया। ओके तो फाइनली हमारा जो पहला मिशन है वो सेव हो चुका है यहाँ से। ओके सो गाइज पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसी का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें हम मिशन 2 कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और गाइज जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना मेरे, उतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, उतना और एंटरटेन करूँगा, उतने अच्छे से बोलूँगा, एकदम अच्छा और एक्सपीरियंस लाऊँगा, ताकि आप मुझे और ज़्यादा पसंद करें। हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।